हेलो 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 आइए सर हम लोग कहां तक पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की इस अगली कड़ी में आपका स्वागत है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत यहां तक हो गया था उसके बाद हम यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत भी कर लिए थे उसके बाद कैल्सियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस का प्रतिशत भी हम लोगों ने कर लिया था यहां तक हो गया था ना यहां तक हो गया था नियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस का प्रतिशत आते हैं अगले में कहता है तीस ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से कितने ग्राम कार्बन को सर तीस ग्राम कार्बन को कितने ग्राम कार्बन को तीस ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 टू बनेगा यानी हम ये जानते देखो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है C प्लस ओ टू इज इक्वल टू सीओ टू हो जाएगा ध्यान देना हेलो हाँ। क्या बोलो हाँ बोलो ना सी प्लस ओ टू इज इक्वल टू सी टू सबको मेरा प्रणाम है सर सबको नमस्कार है गौर फरमाइएगा सी प्लस ओ टू इज इक्वल टू सीओ टू होता है तो कहता है तीस ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम सी टू बनेगा तो ध्यान दीजिएगा अगर हम सी प्लस ओ टू बराबर सी टू की बात करें तो ये हो गया बारह ग्राम कितना ग्राम हो गया सर कार्बन होता है बारह ऑक्सीजन होता है सोलह तो दू गो है तो सोलह दुनिया बत्तीस ग्राम और ये हो जाएगा फिर 12 प्लस बत्तीस इज इक्वल टू चौवालीस ग्राम इसमें कोई डाउट है सर ध्यान दीजिएगा का ये कार्बन हो गया 12 ग्राम ऑक्सीजन हो गया सोलह दुनिया बत्तीस ग्राम कार्बन हो गया 12 प्लस बत्तीस इज इक्वल टू चौवालीस ग्राम क्वेश्चन को तीस ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम सीओ बनेगा तो सर गौर फरमाइएगा हमको क्वेश्चन कह रहा है तीस ग्राम जलाने पर कार्बन को जलाने पर कितना ग्राम सी, तो सर, ग्राम पर, कितना ग्राम सी तो सर आप गौर से देखिए बारह ग्राम ध्यान दीजिएगा 12 ग्राम कार्बन से कितना ग्राम सीओ टू बन रहा है सर चौवालीस ग्राम सीओ टू इसलिए एक ग्राम से कितना बनेगा एक ग्राम कार्बन से एकदम एक, एक ही नियम लगा देना चौवालिस बटा बारह ग्राम सीओ टू इसलिए इसलिए कितना ग्राम से कह रहा है तीस ग्राम से तीस ग्राम कार्बन से कितना बनेगा चौवालिस बट बारह गुना तीस ग्राम शियोटू अब इसको सॉल्व कर लीजिए सर कितना आता है कितना आएगा बारह हो जाएगा सर यहां बताइए कितना आ जाएगा हो जाएगा तुम्हारा बारह और चौवालीस और तीस देखो कितना आता है व्हाट इज द आंसर आ जाएगा तुम्हारा एक सौ दस ग्राम सीओ टू सॉल्व करके देख लो हमने कहा आपको तीस ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम सीओ टू बनेगा तो सर हमको पता है बारह ग्राम जलाने पर चौवालीस ग्राम बनता है तो 12 ग्राम जलाने पर 12 ग्राम आ, कार्बन जलाने पर 44 ग्राम सीओ टू इसलिए एक ग्राम कार्बन जलाने पर 44 बटा बारह इसलिए 30 ग्राम जलाने पर 45 बटा बारह तीस आंसर यू विल गेट द आंसर अमित जी हाय नमस्ते अगला सवाल फिर देखते हैं ये आपका सॉल्व किया हुआ है अगला कहता है, दस ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम पढ़िए आप एक बार क्वेश्चन को आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए दस ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम एच टू बनेगा ना क्वेश्चन है तो चला आप गौर से देखिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए कितना ग्राम हाइड्रोजन है दस ग्राम अब चला हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब जलाओगे ना तो एच टू प्लस ओ टू this will give H2O. सर H2 plus O2. this will give H2. एच दस ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम H2O बनेगा तो तुम इसको पहले बैलेंस कर लोगे तो H2 टू प्लस ओ टू इज इक्वल टू एस हो गया बैलेंस करने के लिए यहां दो देना होगा तो यहां भी दो देना होगा तो, 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 तो नहीं दो नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा इसको बैलेंस करो ना चला इसको बैलेंस करो यहां दो दे दिए हम यहां दो दे दिए हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ना देखो बैलेंसिंग भी तुमको सीखना होगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा हमको अभी बैलेंस किसको करना है हाइड्रोजन को यहाँ दो गो है ऑक्सीजन यहाँ दो है यहाँ एक के गो है तो यहाँ सर दो कर देते हैं तो अब यहाँ दो चार गो हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ दो कर देते हैं तुम कहेगा मास्टर तुम कैसे कर लेता है ई किया तुम कैसे रे मास्टर हम तरफ बता देंगे टेंशन नहीं लेना है इक्वेशन बैलेंसिंग भी तुमको सीखना होगा क्योंकि क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है चला कि 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम एस बनेगा तो चला ये हो गया दो चा, दूनी चार ग्राम तुम कहेगा कहां से लाए मास्टर दो दूनी चार ग्राम ई हाइड्रोजन का होता है वन वन ऑक्सीजन के बारे में तेरे को पता है आठ सोलह गौर से देखो ई वन वन हो गया दो दू दुनी चार ग्राम हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया चला सोलह दुनी बत्तीस ग्राम सोलह दुनी बत्तीस ये हो गया तुम्हारा सोलह दो दू अठारह दुनी छत्तीस ग्राम बोलेगा कैसर मास्टर ये दो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये सोलह हो गया दो अठारह ये अठारह गुना दो छत्तीसग्राम सोलह दो अठारह अट्ठारह गुना दो इज इक्वल टू छत्तीसग्राम अब तुमको कह रहा है दस ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम एस बनेगा तो हम कहेंगे क्या चला इसको शिफ्ट कर देना है देखिए इसको सि... पहले ये दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए ये उपर, ये ऊपर नीचे और इसके ऊपर में उसको डालना है पी इज इक्वल टू पी वन प्लस ना इसके ऊपर में इसको ले जाके डाल देना है और ये दोनों लेकिन इंटरचेंज हो जाएगा देखो ओम्स को समझाते हैं एक मिनट इसको जो है ना पहले दोनों को इंटरचेंज कर लेगा तब इसके ऊपर में ना रहेगा कि दोनों लेंस की सट जाएगा डी बराबर जीरो तब ना पी पी बराबर पी वन प्लस इसको चलो आप देखिए सर दो चार ग्राम और ये बत्तीस ग्राम और ये छत्तीस ग्राम है आप ध्यान दीजिएगा चार ग्राम दस ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम एस बनेगा हम ये देख रहे हैं चला क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि चार ग्राम हाइड्रोजन जलाने पर हमको छत्तीस ग्राम एस मिल रहा है इसलिए एक ग्राम हाइड्रोजन में यह हो जाएगा छत्तीस बट चार ग्राम एस इसलिए कितना कह रहा है दस ग्राम में तो दस ग्राम हाइड्रोजन ये हो जाएगा छत्तीस बटा चार गुना दस ग्राम एस टू इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाता है चार नंबर छत्तीस दस नंबर नब्बे इज इक्वल टू नब्बे ग्राम इज द आंसर एक चीज का और ध्यान रखना चला कि यही क्वेश्चन अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना ग्राम एस टू जितना ग्राम निकालना होगा जिसको जैसे एच टू कितना ग्राम तो वो इस साइड रखेंगे और जिससे निकालना होगा उसको इस साइड रखेंगे कहता है कितना ग्राम एच टू बनेगा तो एच टू वाले को, पैरामीटर को इस साइड रखते ठीक है नेक्स्ट वन इज आता है नेक्स्ट में अगला क्या कहता है अगला कहता है सर कि अगला आपका मामला कहता है कि 50 ग्राम CACO3 को गर्म करने पर कितना ग्राम CAO बनेगा तो सर गौर फरमाइएगा CACO3 को जब आप गर्म कीजिएगा ना तो गर्म कीजिएगा तो टूट जाएगा किसमें और प्लस CO2 में CACO3 को जब आप गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है किसमें सीएओ प्लस सीओ टू में, में। तो अभी कैसे होगा सर गौर फरमाइएगा बताइए कैसे होगा सबको गुड इवनिंग है सर कहता है पचास ग्राम सी एस को गर्म करने पर कितना ग्राम सीएओ बनेगा तो हमको ये रिएक्शन आप सर? तीन, चार गो है, सवाल हमने दे दिया उसको ध्यान में रखना है एक्स प्लस सीओ टू एक एस टू प्लस एस टू एक सी ए सीओ थ्री टूटेगा सीएओ प्लस सीओ टू में अब देखिए सर पचास ग्राम सीएस को गर्म करने पर कितना ग्राम सीएओ बनेगा तो आप गौर फरमाइएगा जनाब सी ए सीओ थ्री आपके सामने है इसको तोड़ दिए सीए ओ प्लस सीओ टू बना, यह हो जाएगा आपका चालीस बारह बासठ हो जाएगा अड़तालीस तो अड़तालीस दो पचास एक सौ दस हो जाएगा साह एक सौ चालीस आ बारह तो हो जाएगा चालीस बारह बावन अड़तालीस एक सौ, ये हो जाएगा आपका चालीस सोलह छप्पन आई हो जाएगा तुम्हारा बारह और सोलह सोलह बारह हो जाएगा तुम्हारा सॉरी सु, बत्तीस बारह चौवालीस ग्राम देखना चलो हमारे जोड़ घटो बड़ी गड़बड़ है एक अब कह रहे पचास ग्राम सीए सीओ थ्री को गर्म करने पर कितना ग्राम सी ओ निकालना है तो उसको इस साइड रखेंगे तो कैसे रखेंगे चला हम कहेंगे भैया एक सौ ग्राम ध्यान देना हम कहेंगे कि एक सौ ग्राम सीएस थ्री गर्म करने पर छप्पन ग्राम सीएओ एक सौ वेरी गुड अट्ठाइस परसेंट नवादा से मधुबनी से एक सौ ग्राम सीएसओ थ्री को गर्म करने पर छप्पन ग्राम तो हम कहेंगे इसलिए एक ग्राम सीएसओ थ्री ये हो जाएगा चला छप्पन बट एक सौ ग्राम सीएसओ इसलिए कितना को रहा है पचास ग्राम ना तब पचास ग्राम सीए सीओ थ्री हो जाएगा छप्पन बट एक सौ गुना पचास ग्राम सीओ अब देखो इसको सॉल्व करके कितना आता है पचास दुनी सौ वेरी गुड अट्ठाइस ग्राम वेरी गुड जो लोग भी सर अट्ठाइस ग्राम निकाल रहे हैं सर वेरी वेरी गुड एकदम सर समझिए भगवान की मर्जी नहीं होगी तब भी आपका सर जॉब होना है क्योंकि आपकी सिंसियरिटी ये बता रही है सर बहुत कम बच्चे होते हैं अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है सर कितने लोगों को समझ में आ गया सर एक टाइप कीजिए जिम्म पांच परसेंट सर सर अपवाद है उसको कोई नहीं समझा सकता ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना होगा जिनको जिनको समझ में आया एक बार और समझा देंगे क्या दिक्कत है मैक्सिमम लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और समझा देंगे जिनको जिनको समझ में आए एक टाइप कीजिए नहीं समझ में आया दो टाइप कीजिए एक बार और गुरु जी समझा देंगे इसमें क्या है एक बार और समझा देंगे सर जल्दी जल्दी पेड वीडियो यूट्यूब पे जो भी डाल रहा था सर उस पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है इसलिए अब वो ऐसा नहीं करेगा मेरे नाम से जितने भी चैनल हैं सर सब पे मैंने केस कर दिया है अब वो चैनल खुद खुद वो उनको नोटिस चला जाएगा सर इसलिए कोई भी बच्चा ऐसा ना करें ज्यादा बेहतर होगा देखिए सारे बच्चों को समझ में आया एकाध तो अपवाद होंगे ही सर वो लेट से जुड़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा देख सारे मेरे भाई लोग को समझ में आया अब एक एकाध जो है वो पांच परसेंट के अपवाद में है उनको हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन उस पांच परसेंट के लिए एक बार और फिर गुरु जी बता देंगे क्या दिक्कत है वो भी तो मेरा भाई है पढ़ना तो वो भी चाहता है ध्यान देगा भाई मेरा जिनको नहीं समझ में आया जिसको निकालना है ना उसको इस साइड रखो तीन गो रिएक्शन है जो तुरा तो एकदम याद रखना है कौन कौन एक रिएक्शन तो एच टू देखो तुमको क्या क्या याद रखना है इस टाइप के सवाल के लिए तुमको भाई मेरे याद रखना होगा C प्लस ओ टू इज इक्वल टू सी ओ टू एक रिएक्शन हो गया दूसरा रिएक्शन मेरे भाई को याद रखना है H2 टू प्लस ओ टू दिस विल गिव एच टू ओ यहां बैलेंस कर देंगे यहां दो हो जाएगा यहां दो हो जाएगा और तीसरा रिएक्शन मेरे भाई को याद रखना है सी थ्री दिस विल गिव्स इसको जब गर्म करते हैं तो यह देता है हमको सी CO ए प्लस टू चौथा रिएक्शन एक और आप याद रख सकते हैं एन टू प्लस एच टू दिस विल गिव्स एम एच थ्री एन टू प्लस एच टू दिस विल गिव्स एन एच थ्री इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग यहां दो दे देंगे और यहां तीन दे देंगे ये बैलेंस हो जाएगा ये चार रिएक्शन तो पहले तुम लिख लो राजन जी समझने की कोशिश कीजिए हम आपको फिर से समझा देते हैं कोई बात नहीं कुछ भाई है मेरा जिसको नहीं समझ में आया एक बार और गुरु जी आज ही बैच बाई किए तो कहां से समझ में आएगा से? अगले चैप्टर से बुझाएगा हो गया जो लोग आज बैच बाय किए हैं उन लोगों को सर अगले चैप्टर से बुझाएगा हो गया एक बार और अब समझाते एकदम टेंशन नहीं ये चार रिएक्शन आपको ध्यान में रखना दूसरा अगर मान लो कह दे कि दस ग्राम कार्बन को जलाने से कितना ग्राम सीओ टू तो पहले इस रिएक्शन से तुम वेट निकाल लो अलग अलग सब कि इतना ग्राम में इतना, इतना, इतना इसलिए एक में कितना इसलिए एक समय कितना वही नहीं कर रहे हैं हम जैसे हम एक क्वेश्चन यहां देख लेते हैं गुरु जी जैसे 50 ग्राम सीएसओ थ्री को गर्म करने पर कितना ग्राम सीएओ बनेगा तो हम क्या किए पहले तो सीएसओ थ्री का हम रिएक्शन जानते हैं अब तुम कहेगा कैसे आप जानते हैं कैसे हम जानेंगे तो आपको हम लिख दिए रिएक्शन सीएओ प्लस सीओ टू हम ये जानते हैं इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है जो लोग पिछले क्लास में होंगे उनको हमने द्रव्यमान निकालना सिखाया है रिएक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं यही तीन रिएक्शन सर पूछता है या चार रिएक्शन इसको अगर हम कहते हैं चालीस और सोलह ये हो जाएगा छप्पन और ये हो जाएगा चवालीस तुम कहेगा कहां से लाया तो कल की क्लास आप पलट के देख लो आपको मिल जाएगा तो हम कहते हैं सर कि पचास ग्राम सीएसओ थ्री को गर्म करने पर कितना ग्राम सीए बनेगा तो सर हम ये देख रहे हैं कि 100 ग्राम सीएसई थ्री को गर्म करने पर चौवालीस इसलिए एक में कितना इसलिए 100 में कितना जिसको निकालना होगा उसको इस साइड रखेंगे तो सीएओ को निकालना था हम क्या कहेंगे हम कहेंगे सर कि 100 ग्राम 100 ग्राम CaCO3 शी, को गर्म करने पर छप्पन ग्राम CaO बनेगा 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर छप्पन ग्राम CaO। इसलिए एक ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना बनेगा हम कहेंगे सर छप्पन बटा एक ग्राम CaO। इसलिए अब क्वेश्चन के हिसाब से पहुंचेंगे कितना ग्राम पचास ग्राम सीए में कितना हम कहेंगे चला छप्पन बट एक सौ गुना पचास ग्राम CO सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट द आंसर ठीक है द नेक्स्ट अब आते हैं अगले में चल परमाणु द्रव्यमान क्या है वट इज परमाणु द्रव्यमान सर रिएक्शन आपको याद रखना है और एक रिएक्शन चैप्टर ही हम कर दिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डाल दिए हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब ध्यान देना सर परमाणु द्रव्यमान हम आपका प्रॉब्लम देख रहे हैं समीर जी कहते परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास सर एक चीज का ध्यान रखना है केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार एक ही बात है अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार चला एक ही बात है और सब बढ़िया है रे ब्याह शादी कर लिया नहीं किया है कौन कौन ब्याह नहीं किया है राणे है एक बार यस लिखो एक लिखो जो ब्याह कर लिया है वो दुई लिखेगा केकर कर, के कर अंतिम इच्छा पूरा नहीं हुआ है वो एक लिखेगा बात छोटा सा पढ़ वेरी गुड वेरी गुड सबको सबको नमस्कार है सर भगवान हमें आ, आ, आपको हमारी तरह ही रखे राणे मरे ठीक है ना कहता है देखना एटॉमिक मास की अगर हम बात करें सर परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार एक ही बात है केमिस्ट्री में अगर बात करोगे सर तो द्रव्यमान और भार एक ही बात है ठीक है सब कुंवरे है ना द्रव्यमान और भार एक ही बात है ध्यान देना आप पहले तो ये द्रव्यमान और भार है क्या सर तो पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं कि मामला क्या है जैसे हमने आपको कहा था सर कि ये कोई तत्व अगर एक्स है इसकी परमाणु संख्या ले लेते हैं चलो ओ ओ ओ ओ ये ले लेते हैं सर सोडियम 11 तेईस सोडियम अगर ग्यारह तेईस है तो इसका परमाणु संख्या कितना परमाणु संख्या हो गया ग्यारह सॉरी परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो परमाणु संख्या हो गया इसका परमाणु संख्या यानी जेड इज इक्वल टू ग्यारह परमाणु यानी ए इज इक्वल टू तेईस प्रोटॉन यही है इलेक्ट्रॉन यही है और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो तेईस में से ग्यारह गया न्यूट्रॉन हो गया हमारा बारह ध्यान से देखना हाँ पहले जो भी आज एडमिशन लिया सर प्रीवियस वीडियो देखिए तो सर ये ग्यारह तेईस है प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या इज इक्वल टू ग्यारह परमाणु द्रव्यमान तेईस है न्यूट्रॉन की संख्या तेईस से ग्यारह इज इक्वल टू बारह तो आप गौर से देखिए सर ये जो बारह तेईस है एकदम आराम से सर ये जो तेईस है जो कि आप जिसको आप फक्र से कहते हैं परमाणु भार ये कैसे आएगा तो आप गौर से देखिएगा तो ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को जोड़ने से आएगा न्यूट्रॉन कितना है आपका सर बारह अब प्रोटॉन कितना है आपका ग्यारह तो देखो बारह प्लस एगारह इज इक्वल टू तेईस देखो तुमको दिख रहा होगा बारह प्लस ग्यारह इज इक्वल टू तेईस यानी जो परमाणु द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है या, 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 या हम कहेंगे न्यूट्रॉन प्लस परमाणु संख्या क्यों क्योंकि प्रोटॉन जो है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस परमाणु संख्या देखिए आपके सामने ये जो है सर ये न्यूट्रॉन प्लस परमाणु न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी हो सकता है तब 12 प्लस 11 इक्वल टू तेईस हो जाएगा लेकिन सर न्यूट्रोन ट्रॉन अ प्लस प्रोटोन के जगह पर सर हम परमाणु संख्या में लिख सकते हैं तो एन प्लस जेड भी होगा तो एन है आपका बारह जेड है आपका ग्यारह तब भी यह तेईस तो जाए। हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है सर कि अगर 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 परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला हमको कहे तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया अब गौर से देखिए आपको वही दिख रहा होगा कहते हैं इसका मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो संख्या है वही परमाणु द्रव्यमान है अगर आप क्लास शुरू से कर रहे हैं तो आप देखिए सर कहता है परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एन प्लस न्यूट्रॉन इसी को हम लिख सकते हैं यहां से आ, ए बराबर प्रोटोन के जगह पर सर हम लिख देंगे जेड परमाणु संख्या तो ए बराबर जेड प्लस एन हो जाएगा और इसी से हम यहां लिख लेंगे तो सर एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड हो जाएगा इसी से सर आ, एन बराबर हम ए माइनस जेड लिख सकते हैं तो ये सारे फॉर्मूला बट इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब आ जाइए सर मूलानुपाती सूत्र इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है सर मूलानुपाती सूत्र दट इज एमपेरिकल फॉर्मूला अब ध्यान दीजिएगा सर एक होता है आणविक सूत्र एक होता मूलानुपाती सूत्र एक होता है सर आणविक सूत्र और एक होता है सर मूलानुपाती सूत्र एक होता है सूत्र और एक होता है मूलानुपाती सूत्र ठीक है जिनका वीडियो फंस रहा है सर बैक जाके फिर से अपने वीडियोस पे आएंगे एक होता है सूत्र एक होता मूलानुपाती सूत्र आप देखिए ये है क्या एकदम आराम से सर अगर मान लो बेंजीन है सी सिक्स है ना सर तो मूलानुपाती सूत्र इसका सरलतम अनुपात होता है जैसे आप कहिएगा सरलतम अनुपात क्या होता है जैसे दो अनुपात बारह है इसको काट दोगे एक अनुपात छ इसका सरलतम अनुपात क्या करोगे दो एक अन दो और दो छ के बार है तो और छ को काटोगे तो ये कट जाएगा तो एक अनुपात एक हो जाएगा यानी इसका मूल अनुपात सूत्र हो जाएगा सी एच सीबीएक एच बीएक अब दूसरा ले लेते हैं सर जैसे एच टू ओ एस टू में ये दो है ये एक है तो दो अनुपात एक इस तो कटवे नहीं करेगा तो इतने रह जाएगा देखिए एस टू फिर लेते हैं सर अगला सी टू एच टू सी टू एच टू में सर ये भी दोगा है ये भी दोगा है तो दो अनुपात दो हो गया ये ये कट गया एक अनुपात एक हो गया एक अनुपात एक हो गया तो क्या हो जाएगा चला सी और एच दो, दो कट गया एक अनुपात एक हो गया सी और एच हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम ले लेते हैं सी एच फोर एक और चार कटेगा नहीं तो सी एच फोर हो जाएगा गुरु जी कहने का मतलब यह हुआ कि आणविक सूत्र को सरलतम अनुपात में जब व्यक्त किया जाता है तो उसे मूलानुपाती सूत्र यानी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या यह जो आनविक सूत्र है इसको सरलतम अनुपात में जब व्यक्त किया जाता है तो उसे मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है आणविक सूत्र को सरलतम अनुपात में जब व्यक्त किया जाता है तो उसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं ठीक है पीडीएफ सर एस के जहां पीडीएफ चैनल पे है आप वहां सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगा ठीक है अब आप गौर से देखिए अगर इसमें हम से गुना कर दें यह दोनों बराबर हो जाएगा पहले सर इसका डिफिनेशन में चलते हैं फिर आएंगे यहां कथा मूलानुपाती सूत्र क्या है यह मूलानुपाती सूत्र है सर यह आणविक सूत्र है कथा है इंपेरिकल फॉर्मूला किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं देखिए किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलान सूत्र कहते हैं यह सर है सी सिक्स एच सिक्स इसको सरलतम रूप में अगर व्यक्त करेंगे सी एच हो जाएगा ये सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे HO हो जाएगा अब देख लीजिए H2O2 ये दो दो कट जाएगा।, जाएगा एक एच ए बचेगा ये सी सिक्स एच सिक्स है जाएगा एक सी एच बनेगा सी टू एच सिक्स है सर दो तीस छाएगा तो एगो C, एगो एच थ्री हो जाएगा देखो सी एच थ्री है फिर यहां एस्टूओ है सर यह कटवे नहीं करेगा नहीं कटेगा तो एस टूओ ही रह जाएगा एक बार फिर से पढ़िए कहता है किसी यौगिक के अनु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलानुपाति सूत्र कहते हैं सर एक मिनट भी अपना टाइम बर्बाद मत करो एक हम भी आते हैं क्लास लेने एक नो बकवास सीधा सर पढ़ाई क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है यही एक डेढ़ महीना जिंदगी को सरियाने का तो पेशेंस कितना है तुम्हारे अंदर यह तुम जानो कहता है आ नहीं तो सर एक डेढ़ महीना के बाद आपका काम हो जाना है या नहीं तो हो जाना है ना तो सदा के लिए हो जाना है देख लो तुमको क्या करना है कहते हैं सर एक ही मूलानुपात सूत्र एक से अधिक यौगिकों के लिए हो सकता है एक ही मूलानुपात सूत्र जैसे इसका सी हुआ दूसरे के लिए भी सीएच हो सकता है जैसे अब तुम कहोगे कैसे जैसे सी सिक्स एच सिक्स का भी सी एच है दिखाते हैं आपको सर जैसे सी सिक्स एच सिक्स का काट दोगे तो काट दोगे तो ये ये कट जाएगा तो सी एच हो जाएगा वैसे सी टू एच टू का भी काट दोगे तो ये ये कट जाएगा तो ये भी mm. तो सी एच ए होगा एक से अधिक यौगिक के लिए सेम मूलानुपाती सूत्र हो सकता है hmm. थे थे हैं। थे हैं। एक से अधिक यौगिक के लिए सेम मूलानुपाती सूत्र हो सकता है अब देखना अब हम यहां आते हैं सर ये सी सिक्स एच सिक्स बराबर सी एच हो गया तो हम यहां छुना कर देंगे वही आ जाएगा यहां पर एक से गुना कर देंगे सर वही आ जाएगा यहां दो से गुना कर देंगे सर वही आ जाएगा यहां पे एक से गुना कर देंगे वही आ जाएगा कहीं कोई समस्या नहीं है कहने का मतलब आणविक सूत्र बराबर एन गुना मूलानुपातिक सूत्र होगा ये एन एक फैक्टर है आणविक सूत्र बराबर एन एन की जगह छ एक दो तीन कुछ भी ले सकता है गुना मूल्युपातिक सूत्र ये आपका एक फॉर्मूला बन गया आणविक सूत्र बराबर आणविक सूत्र बराबर एन गुना मूलानुपाती सूत्र नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा कहता है आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला अब आणविक सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है एन गुना मूलानुपाती सूत्र ठीक है तो सर जहां एन बराबर वन टू थ्री फोर है एन भरा वन टू थ्री फोर फ, कुछ भी हो सकता है अभी निकालेगा सूत्र सूत्र का भार कर दीजिए आपको एन का वैल्यू निकल जाएगा आनविक सूत्र भार बटा उलान सूत्र भार कर दीजिए आपको एन का वैल्यू निकल जाएगा आप कैसे निकालेंगे तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कह देगा क्वेश्चन कि बेंजीन के लिए जैसे देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है अगला में एन कैसे निकालना है बेंजिन के लिए एन का मान ज्ञात करें आप कैसे ज्ञात कीजिएगा सर पहले तो एन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि आणविक सूत्र भार फॉर्मूला होता है सर आणविक सूत्र भार बट मूलानुपाती सूत्र भार अब आणविक सूत्र कितना है बेंजीन का बेंजीन का होता है सी सिक्स एच सिक्स मूलानुपातिक सूत्र आणविक सूत्र हो गया सी सिक्स एच सिक्स सूत्र हो गया चला सी एच सूत्र हो गया भार सी सिक्स एच सिक्स और मूलानुपातिक सूत्र हो गया सी एच ठीक है अब देखिए सर क्या होना है इसका भार बताइए कितना हो जाएगा बारह छह अच्छा के बहत्तर कार्बन का बारह होता तो बार के आई इसका एक C6, का है इसका आप आप बोलेंगे साहब कैसे निकाल लिए का देखिए ऐसे पिछली क्लास में भी हमने बताया था कार्बन का बारह होता है बारह 12 के बहत्तर आई छह अठहत्तर और सी एच की अगर हम बात करें सी और एच की बात करें सर तो बारह एक तेरह देखो ये सी और एच बारह एक तेरह यानी बारह एक तेरह बटर तेरह हो जाएगा तेरह छ के अठहत्तर आंसर छ हो जाएगा आपका सर आंसर आणविक सूत्र भार बताए मूल सूत्र सूत्रभार आप किसी का भी निकाल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज कहता आणविक सूत्र द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में संबंध देखिएगा सर आणविक सूत्र द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में क्या संबंध है आणविक सूत्र द्रव्यमान सबसे ज्यादा इस चैप्टर अगर टॉप फाइव को चैप्टर की बात करोगे जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये चैप्टर है टॉप फाइव में एक ये है सर एक फॉर्मूला होता है आणविक सूत्र भार बराबर दो गुना वाष्प घनत्व इस बार हम सर केमिस्ट्री में सारे उस टॉपिक को जोड़ दिए हैं जो नया तरीके से पूछा है आणविक सूत्र भार बराबर होता है दो गुना वाष्प घनत्व आणविक सूत्र भार बराबर फॉर्मूला होता है दो गुना घनत्व तो, तो को इंग्लिश में कहते हैं चला वेपर डेंसिटी तो को इंग्लिश में क्या कहते हैं वेपर डेंसिटी अभी कैसे होगा सर ध्यान दीजिएगा सूत्र भार बराबर दो गुना वाष्प आणविक सूत्र भार बराबर दो गुना तो यहां से सर अगर वाष्प घनत्व तो बराबर फॉर्मूला हम निकालते हैं वाष्प घनत्व तो बराबर फॉर्मूला निकालते हैं तो ये हो जाएगा सूत्र सूत्रभार आणविक सूत्र भार बटा दो ध्यान देना सूत्र सूत्रभार बराबर दो गुना वाष्प घनत्व तो वाष्प घनत्व तो बराबर हो जाएगा आणविक सूत्र भार बटत दो अब तुमको सूत्र सूत्रभार हम निकालना पता है जैसे कैल्सियम यूरिया का कैसे बनाए थे साठ ग्राम कैल्सियम कार्बोनेट का कैसे बनाए थे एक सौ ग्राम बनाए थे तो वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां आते हैं सर पढ़िएगा आणविक सूत्र द्रव्यमान तथा वाष्प घनत्व में संबंध रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वेपर डेंसिटी क्या कहता है सर कहता है आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर दो गुना घनत्व और आणविक सूत्र निकालने की इस विधि को केनीजारो विधि कहते हैं कौन विधि कहते हैं चला के विधि कहेगा आणविक सूत्र निकालने की वह विधि जो वाष्प घनत्व की सहायता से निकलता है उसे कौन विधि कहते हैं कहेंगे केनिजारो विधि अब ध्यान देना कहता है वाष्प घनत्व बराबर होता है आणविक सूत्र द्रव्यमान बटक दो अभी तुरंत हम बताए थे सर वाष्प घनत्व इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आणविक सूत्र द्रव्यमान बटत दो या यूं कहो आणविक सूत्र भार बराबर दो गुना वाष्प घनत्व दोनों में से जो तुमको ठीक लगता है ये फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला ठीक है अब ध्यान देना चला कहते हैं भारी जल का वाष्प घनत्व तो क्या होगा हमने सर फॉर्मूला क्या बताया आपको आणविक सूत्र द्रव्यमान आणविक शूत्र द्रव्यमान बराबर दो गुना वाष्प घनत्व बराबर फॉर्मूला हमने बताया आपको दो गुना घनत्व दो गुना घनत्व जल्दी से बना लीजिए एक बार यहां होता है दो गुना वास्तव घनत्व हम्म निकालिए सर कैसे होगा जल्दी से निकाल दो गुना, गुना तो और जल्दी से वास्गनत तो निकाल सर आणविक सूत्र मान हमने आपको बताया है कैसे निकालना है यहां से इसको काटा था एक स्लाइड यहां से यहां एक स्लाइड यहां से यहां दूसरा फिर यहां आज इसको उस फिगर के साथ फिर एक ऐसे एक मिनट सर ये कटून चलाइट कहता है भारी जल डी टू ओ के लिए वास्तु घनत्व तो सर आणविक शुद्ध हम आपको निकाल के सिखाए डी टूओ का बताइए कितना हो जाएगा सोलह हो गया ये दो हो गया सर डी का होता है वन टू भार अगर निकालना तो ये हो गया सोलह ऑक्सीजन का ये होता है दो तो दो दूनी चार तो सोलह प्लस चार बीस हो गया तुमको अगर नहीं पता सर तो डी टू सर जो होता है तो डी टू का निकाल 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 तो तो जाएगा, ये दो होता है डी है ड्यूटेरियम वन टू होता है वन टू होता है दो दुनी चार हो गया हाइड्रोजन रहता तो एक होता तो एक गुना दो होता तो डी टू दो चार प्लस सोलह चार प्लस सोलह इज इक्वल टू हो जाएगा बीस तो सूत्र बराबर दो गुना हो जाएगा तो सर हमको ये बताइए आनविक सूत्र द्रव्यमान हमको पता है बीस बराबर दो गुना तो सर यहां से वास्प घनत्व निकालेंगे कितना आ जाएगा वाष्प घनत्व अगर हम निकालते हैं मच्छरों तो लिखवे करेगा वास्प घनत्व अगर हम निकालते हैं तो वास्तवत्व बराबर हो जाएगा कितना बीस अब बटर दो इज इक्वल टू दस कहा बीस बट दो इज इक्वल टू दस तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी का भी अगर वाष्प घनत्व तो आप निकालना चाहते हैं मान लीजिए कि इसका वाष्प वास्पघनत्व तो आप निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा आणविक शुद्रमान आपको लिखना होगा बराबर दो गुना वाष्प घनत्व होता है और सर यहां से वाष्प घनत्व तो बराबर हो जाएगा बीस बट दो इज द आंसर तुम कह नहीं समझा तो एक बार और हम समझाते हैं सर H2SO4 का वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी का मान क्या होगा तो सर पहले तो आणविक सूत्रमान बड़ा फॉर्मूला हम जानते हैं पहले आणविक सूत्रमान निकाल लीजिए आणविक सूत्र द्रव्यमान H2SO4 का कितना हो जाएगा बताइए एक गुना दो अरे हाइड्रोजन का एक तो एक गुना दो प्लस सल्फर का होता है चला 32 ये लो 32 अब प्लस ऑक्सीजन का होता है सोलह गुना चार, तो ये हो जाएगा चला चौसठ सोलह गुना चार सोलह चौका चौसठ बताइए कितना हो जाएगा यह हो जाएगा दो प्लस बत्तीस प्लस चौंसठ ये हो जाएगा चार दो छो आठ और यह हो जाएगा छ तीन नौ अंठानवे अब हमको निकालना है वास्तुगणत्व तो, हमको फॉर्मूला पता है आणविक सूत्र द्रव्यमान आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर होता है दो गुना वास्तुगणत्व तो, वास्तवत्व तो बोले, बोले तो चला कथी वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी बता क्या हो जाएगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आणविक सूत्र द्रव्यमान डायरेक्ट लगा दो तुम आणविक सूत्र द्रव्यमान द्रव्यमान बटा दो आद्रमान अभी तुरंत निकालो अंठानवे अंठानवे बट दो इज तो इक्वल टू उनचास इज दंसर अंठानवे बट दो इज तो इक्वल टू उन्चास इज दंसर होगा रे आनविक सूद्रमान बराबर होता है दो गुना तो आणविक सूत्र सूद्रमान तुमको पता है अंठानवे कैसे निकाले भी तो हम सिखाए हैं पिछले क्लास में एबसेंट होगा तो हम की करेंगे अंठानवे दो इज इक्वल टू उचास अगर एब्सेंट है पिछली क्लास देखिए हो गया यहां से अगर हम आते हैं एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं सर कि है है एस टू एस एफ फोर का तो निकालना है तो हमको फॉर्मूला यह पता है कि आनविक सूद्रमान बराबर है दो गुना घनत्व तो हमको अनविकोर का निकल जाएगा क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है कैसे निकाले भी देख लो एक गुना दो प्लस सल्फर का बत्तीस प्लस सोलह चौका चौसठ अंठानवे यहां से सर वेपर डेंसिटी हमको निकालना है तो किसी का भी निकाल लो सर जैसे मान लेते कि हमको दे दिया सीएसओ थ्री का वेपर डेंसिटी का वेपर डेंसिटी क्या होगा तो चला अगर सी एस थ्री का पहले द्रव्यमान निकाल लो द्रव्यमान निकालोगे तो दी हो जाएगा 40 अब प्लस कार्बन का होता है 12 हम बोले थे एक से 120 तक एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट याद रखो ऑक्सीजन 16 होता है तो 16 48 अरे सर हम बोले थे कार्बन होता है 6 12 ऑक्सीजन होता है 8 16 कैल्सियम होता है चला 20 40 तो वहीं से तो किए हैं कैल्सियम का 40 कार्बन का हो गया 12 ऑक्सीजन का 16 48 अभी हो जाएगा 100 ग्राम अब इसको हमको सर वाष्प घनत्व निकालना है तो वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा वाष्प घनत्व इज इक्वल टू आणविक सूत्र द्रव्यमान आणविक सूत्र द्रव्यमान बटे दो आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना है चला 100 अब बटे दो इज इक्वल टू 50 इज द तो, पचास आंसर आणविक सूत्र द्रव्यमान है कितना तो हम कहेंगे चला 100 100 बटे 2 इज इक्वल टू 50 यू विल गेट द आंसर बनेगा रे हां सर भी रहेगा उसके बाद रहेगा नहीं ठीक है चलो आते हैं हम इसको आगे बढ़िए ठीक है।, है तो आपका काम सर हो जाएगा लाओ अब आते हैं चला हम ऑब्बो प्रिंसिपल पे ऑब्बो का नाम सुने हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुने हो चला नहीं एकदम सर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और रेगुलरिटी मस्ट भी इंपॉर्टेंट अभी हम सर यहां भोजपुरी गाना नहीं गाने वाले हैं और नहीं तो हम अंग प्रदर्शन करने वाले हैं कि तू देखेगा और तेरा मजा आएगा सब कुछ बड़का बड़का देखने में मजा आता है तो तुम सोच लो फिर मामला ऐसा छेद में जाएगा गंध से मर जाएगा पौड़ तुरा पास कोई उपाय नहीं है पौड़ मतलब पौड़ ठीक है नो no ऑप्शंस यू हैव पढ़ना होगा अब सर गौर फरमाइएगा अगला हम चलते हैं सर ऑब्बो के सिद्धांत पर किस पे चलते हैं चला ऑब्बो चचा के सिद्धांत पर किसके सिद्धांत पर चला ऑब्बो के सिद्धांत पर नाम सुने हो कहा हैऊ का सिद्धांत हम देखिए यह ऑब्बा चचा का सिद्धांत है व्हाट इज ऑपबाउ प्रिंसिपल क्या है सर यह ऑपबाव सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का नाम सुने हैं सर सर ऑपबाऊ जो है ना यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना औपबाऊ क्या है सर एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना हम हाँ, आपको पहले क्या बताएं? अगर कहीं पर लिखा हुआ वन एफ इसका मतलब ये एस जो है ना सर यह उपकक्षा को बताता है और जो ये वन है ये कक्षा को बताता है ये जो एस है सर ये उपकक्षा को बताता है और ये जो वन है ये सर कक्षा को बताता है एस किसको बताता है उपकक्षा को वन किसको बताता है कक्षा को और तुमको पता है भाई मेरे एस में की अधिकतम औकात है दो की पी की अधिकतम औकात है छ की डी की अधिकतम औकात है दस की और एस की अधिकतम औकात है चौदह की ये है एसपीडीएफ एस की अधिकतम औकात दो की है पी की छ की डी की दस की एफ की चौदह की है. तो ऊर्जा भरने का क्रम कक्षा और उपकक्षा में ओब्बो ने बताया था ओब्बो ने इसका निर्माण किया था जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सर सोडियम का वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू कैसे पढ़ते हैं वैसे ही ठीक है अब ध्यान दीजिएगा सर अगर हम बात करें कक्षा की कक्षा उपकक्षा और कक्षक की ध्यान दीजिएगा तो ओब्बो साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था ओब्बो साहब ने क्या सिद्धांत दिया सर उन्होंने कहा कि ऊर्जा को कैसे भरना है जैसे हम लोग रैक में कोई सामान लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं पहले छोटे वाले नीचे वाले रैक में फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर ऑब्बो ने कहा यही तो करना है अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रखना है रैक में तो क्या करना होगा पहले नीचे वाले रैक में, में भरेंगे फिर ऊपर वाले फिर ऊपर वाले मतलब उन्होंने कहा पहले निम्न ऊर्जा वाले में भरेंगे फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले मतलब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के क्रम में सजाएंगे इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के क्रम में सजाएंगे पहले कम ऊर्जा वाले में फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले और ये ऊर्जा का क्रम किसने दिया और बहुत ने दिया अब क्या दिया उन्होंने गौर फरमाइएगा उन्होंने दिया ओब्बो का सिद्धांत कहता था प्रिंसिपल यह एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है निर्माण करना इस सिद्धांत के अनुसार हम बोले इलेक्ट्रॉन पहले कहां भरेगा तो पहले न्यूनतम ऊर्जा में भरेगा उसके बाद उससे ज्यादा वाले ऊर्जा में उसके बाद उससे ज्यादा वाले ऊर्जा में तो कहता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है इसके बाद उससे अधिक और इसी क्रम में भरते चला जाता है और यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है जो आप हम कहते हैं 1H2, 2H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2, 4P6. कैसे कहते हैं ने दिया था हम थोड़े दिए ऑब्बो चा ने कहा कि पहले इलेक्ट्रॉन को निम्नतम ऊर्जा वाले में भरेंगे और उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले में और उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उसके लिए उन्होंने क्या कहा उसके लिए उन्होंने एक क्रम तैयार किया और वो क्रम क्या था सर उन्होंने कहा वन एस फिर टू एस एस को सात कक्षाओं में बांटा वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस सेवन एस फिर उन्होंने कहा टू पी फिर थ्री पी फिर फोर पी फिर फाइव पी फिर सिक्स पी फिर सेवन पी फिर उन्होंने कहा थ्री डी फिर फोर डी फिर फाइव डी फिर सिक्स डी फिर सेवन डी फिर उन्होंने कहा फोर एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स एफ सेवन एफ अब ध्यान दीजिएगा सर इस तरीके से उन्होंने लिखकर एक टेबल बना दिया ऐसे वन 2s, टू एच, फिर ऐसे फिर ऐसे आप कहें क्या खींच रहा है? मास्टर पागल हो गया का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको हम सिखा देते हैं इसी पे गौर फरमाना जो ऊर्जा का क्रम यही है ऊर्जा का क्रम है पहले वन एस में भरेंगे फिर टू एस में भरेंगे फिर यहां से चले आएंगे सर ऐसे फिर थ्री एस में मैं ऐसे भी एरो ले जा सकता है ऐसे यानी पहले वन एस में फिर ऐसे घूम के आएंगे फिर टू एस में फिर ऐसे घूम के आएंगे टू पी में फिर थ्री एस में फिर ऐसे घूम के जाएंगे थ्री पी फोर एस फिर ऐसे घूम के जाएंगे थ्री डी फोर पी फाइव एस फिर ऐसे घूम के जाएंगे फोर डी फाइव पी सिक्स एस तुम कह रहे हैं मास्टर की कर रहा है हम बताते कि कर रहे हैं और ये हम नहीं किया चला ये किया है अब ने क्या कहा कि ये पहले वन एस में भरेगा फिर ऐसे जाएगा टू एस में भरेगा फिर थ्री एस टू एस के बाद एस तो, तो, में, में फिर थ्री पी में फोर एस में फिर थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी सिक्स एस और ऊर्जा का क्रम भी यही रहेगा क्या क्रम रहेगा पहले वन एस में भरेगा ये देखो वन एस में भर गया फिर टू एस में फिर टू पी में फिर थ्री एस में फिर थ्री पी में फिर फोर में फिर थ्री डी में फिर फोर पी में फिर फाइव में इस क्रम में वो आगे बढ़ता चला जाएगा यही क्रम होगा यानी अगर तुम एस की औकात भी उसने बता रखी है पहले से दो होगा पी की औकात भी छ होगा डी की औकात भी दस होगा एस की औकात भी चौदह होगा यानी अगर तुम्हारे पास मान लो बीस इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं कि बीस इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं वह तक तो कैल्सियम है जिसके पास बीस इलेक्ट्रॉन है कैसे भरोगे तो दूगो एस की औकात है दो की तो इसको दू गो दे दो फिर ये एस है दू गो दे दो चार ये पी की, की दस, छ की औकात है छ दस दो बारह छ की पी की औकात छ है फिर अट्ठारह दो बीस हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैल्सियम का तुम अगर नहीं समझे मास्टर तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे कैल से वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना ऐसे इसको पढ़ते हैं वन एस टू ऐसे लिखा हुआ टू पी सिक्स अब तुम कह रहे मास्टर तनी और करके बताओ हमारा नहीं बुझाया पैसा लिया है हम तनी और करके बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्रम देखो हम तुमको समझाते हैं वन एस फिर टू एस फिर टू पी फिर थ्री एस फिर थ्री पी फिर 4s तो देखो मान लेते हैं तुम्हारे पास एक तत्व है जिसका नाम है मान लेते हैं सोडियम सोडियम है चला सोडियम है तुम्हारे पास जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर जिसका इलेक्ट्रॉन होता है 11 तो 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे s की औकात 2 की है इसमें भर दिए 1s2 फिर इसकी भी औकात 2 की है तो 2s2 हमारे पास 11 है तो 2 2 4 हुआ फिर इसकी औकात 6 की है तो 2p6 10 हो गया फिर एक और बच गया ना ग्यारह दो दो चार छ दस से हुआ फिर थ्री एस है तो थ्री एस में एक भर दिया गो दो, दो चार छ दस एक ग्यारह ये ऑर्डर है आगे बढ़ते जाएगा अगर मान लो तुम्हारे पास मान लेते हैं ये क्रम रहता है तुम्हारा ध्यान देना तुम कहोगे फिर भी नहीं बुझाया रहे, मास्टर तो हम फिर बुझाएंगे चूंकि पैसा नहीं लिए है चला तो एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है हम लोग पैसा लेते हैं तो पूरा सर्विस देते हैं ऐसा नहीं कि सूत जाते हैं ठीक ना बहुत लोग सूत भी जाते हैं लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कुछ लोग हैं जो पेट बढ़ा लेते हैं लेकिन सर सर्विस नहीं दे पाते हैं तो अब गौर फरमाइएगा कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए हमारे पास सर पंद्रह पंद्रह इलेक्ट्रॉन है, है ना चला तो पंद्रह इलेक्ट्रॉन को बांटना है तो कैसे बांटेंगे दो को एकरा देंगे चूंकि इसकी औकात ही दो है हमने कहा एफ की औकात है दो की पी की औकात है छह की डी की औकात है दस की एफ की औकात है चौदह की तो चला इलेक्ट्रॉन डाल देंगे इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो कैसे हो जाएगा 1s2 यानी f की औकात है दो की ना 15 मान लो हमको डालना है तो दो इसको फिर दो दिए चार फिर 6 10 दो 12 3 15 हो गया यहीं तक यह नहीं ये नहीं होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फास्फोरस का है हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 बोलन दे कुछो सीखा कि साफे गुण गोबर है ने कहा था कि पहले ऊर्जा के कम स्तर वाले में इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर उससे फिर उससे फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा ठीक है तुम कहेगा रे मस्ट रे मस्ट एक बार फिर हम सर कल आपको समझा देंगे उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है के बारे में हमने कहा एक ही फॉर्मूला होता है आणविक सूत्र द्रव्यमान आणविक सूत्र द्रव्यमान आणविक सूत्र द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है दो गुना वेपर डेंसिटी इस पर सर आपको सवाल मिलेगा आणविक सूत्र द्रव्यमान निकाल लेना है कैसे हम पिछले वीडियो में बनाए हैं अब बराबर दो गुना वाष्प घनत्व तो दो को इस साइड ले आओ भागा दे दो यू विल गेट द आंसर उसके बाद हमने बताया सर एन का मान निकालने के लिए कैसे बताया सर इससे इससे हमने बनाया अनविक सूत्र बराबर एन गुना मूलानपाती सूत्र यहीं पर हमने बताया था कि इसको अगर हम सर एन से गुना कर देंगे और तो ये बराबर ये हो जाएगा एन का मान निकल जाएगा कैसे हमने निकाला आ, पहले तो मूलानपाति सूत्र है क्या जब अनविक सूत्र को साधारण तरीके से व्यक्त किया जाता है अनुपात सरलतम अनुपात में तो इसी को हम मूलानपाती सूत्र कहते हैं ठीक है इसके डिफिनेशन से सवाल रहता है सर अब परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जो कह दो एक के बात है तो आज की कार्यवाही हम लोग यहीं तक रखेंगे अगले मिलेंगे सर अगली कक्षा में थैंक यू वेरी मच खूब मन लगा के ना। तुरा पास एक ही उपाय है इसके बाद लेवरगिरी करना यू डोंट हैव अ सेकंड ऑप्शन नहीं तो रेलवे में कहा। तुम अगले दशहरा अगले दिवाली में तुम कहलाएगा कि ये बच्चा इंडियन रेलवे में देख लो तुमको क्या करना है नमस्कार थैंक यू वेरी मच